हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है, लास्ट वीडियो है ना। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये AIPMT 2012 में पूछा गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना दो सिमिलर कॉइल दी हुई है हमें, जिनका रेडियस है आर। दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है। दोनों के प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पर है, यानी कि परपेंडिकुलर है। एक कॉइल में करंट है आई और दूसरी कॉइल में करंट है 2I। हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI ओवर 2R, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे और रेडियस पे। रेडियस तो दोनों का सेम है, यहां बात आ गई करंट की। तो एक में करंट I और दूसरी में करंट 2I, यानी कि दूसरे वाली कॉइल में करंट डबल है पहले वाली का। जब करंट डबल हो गया तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो गया, यानी कि अगर पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है B तो दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा 2B। और क्योंकि ये दोनों कॉइल के प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा B² 2B² सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा B² + 4B² और फिर रूट, यानी के √5B। अच्छा, √5B और B की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो इस तरह से पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि सर ये स्क्वायर करके ऐड क्यों कर दिया। भाई जब भी कभी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है ये, है ना। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और फिर उनका अंडर रूट ले लें तो रिजल्टेंट आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया। एक सर्कुलर कॉइल है ABCD जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। करंट कितना फ्लो कर रहा है I। अच्छा, उसका जो ये वाला पार्ट है ए बी पार्ट, इस पे फोर्स लग रही है एफ, तो रिमेनिंग पे कितनी लगेगी। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ बेटा, लूप पे नेट फोर्स होती है 0। तो जितनी फोर्स इस पे लगेगी उतनी बचे हुए पार्ट पे लगेगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इसलिए माइनस एफ। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। लूप पे नेट फोर्स हमेशा 0 होती है, तो जितनी किसी एक पार्ट पे लगेगी बचे हुए पार्ट पे भी उतनी ही फोर्स लगेगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा इसलिए नेगेटिव साइन लगा के बताते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास में। अच्छा, और इसमें जो है करंट ट्रेवल कर रहा है, करंट फ्लो करा दिया गया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब वही टेस्ला। उससे 5 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है। 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी दे दी गई 10⁻⁷ m/s। ठीक है, ये सारा डेटा हमें दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज भी दे दिया गया। अब पूछ रहे हैं उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो सिचुएशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये एक वायर है जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा है आई। ठीक, इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है विद वेलोसिटी वी, और वी की वैल्यू भी हमें दे दी गई 10⁻⁷ m/s। वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा बी, जिसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला।
अब पूछ रहे हैं इस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वायर डेवलप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर ट्रेवल करेगा उस पर लगती है लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। QVB sin थीटा यहाँ पे हम ले सकते हैं QVB sin 90। साइन 90 क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर है और ये इन द प्लेन ऑफ पेपर, अगर इसको कॉपी मान लें आप स्क्रीन को तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और ये प्लेन में है, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। बाकी वैल्यू पुट करनी है, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, वेलोसिटी 10⁻¹⁷, मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻¹⁴ और साइन 90 की वैल्यू 1। सॉल्व करें तो ये आ जाता है हमारा 3.2 × 10⁻¹⁶ न्यूटन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारी बुक्स में दिया गया है, बहुत सारी जगह पूछा भी गया है, ठीक है। नीट 2013 का क्वेश्चन, इसमें एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया गया रेस्ट पोजीशन से, एक रूम है जिसके अंदर रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, और जब ये मोशन स्टार्ट करता है तो उसका एक्सीलरेशन आता है a0 वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये पहली सिचुएशन। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दी प्रोटॉन को, वेलोसिटी दे दी v0, फिर ये इनिशियल एक्सीलरेशन हो जाता है 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितने कितने हैं ये समझते हैं जरा। अच्छा क्वेश्चन, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से समझेंगे इसको। ये मैंने बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चार डायरेक्शन हम मान सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसमें। चलिए भाई, तो ये हो गई हमारी ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ, नीचे की तरफ हो गया साउथ। अब प्रोटॉन को रिलीज किया गया, पहले तो रेस्ट पे था, ठीक है। अच्छा, जब रेस्ट पे था तो इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो होती है QVB sin थीटा। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी हो जाएगी 0 और वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस वजह से फोर्स भी हो जाएगी 0। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, जितनी भी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। रेस्ट पे पार्टिकल होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, हाँ मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। तो शुरुआत वाले केस में, पहले वाले केस में तो पार्टिकल रेस्ट पे है इसलिए उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, जितनी भी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगी। अच्छा, अब एक्सीलरेशन आ रहा है वेस्ट की तरफ, कितना? ए नॉट। अच्छा, तो फोर्स कितनी हो गई भाई? एम ए, यानी कि m × a0, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं QE, तो QE की वैल्यू हो गई m a0। यहाँ पार्टिकल प्रोटोन है तो प्रोटोन के लिए हम E लिख सकते हैं, Q की जगह E लिख सकते हैं, तो हो गया E (e)E = ma0। तो कैपिटल E की वैल्यू आ गई ma0/E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और इलेक्ट्रिक फोर्स की खास बात कि जिस तरफ फील्ड होगा उसी तरफ फोर्स लगती है और जिस तरफ फोर्स लग रही होगी उसी तरफ एक्सीलरेशन होगा। पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वेस्ट की तरफ, तो फोर्स लग रही होगी वेस्ट की तरफ, और क्योंकि फोर्स लग रही होगी वेस्ट की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा? वेस्ट की तरफ। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ma0/E वेस्ट की तरफ। तो इसमें तो तीन तीन ऑप्शन में है ma0/E वेस्ट की तरफ, सॉरी दो ऑप्शन में, C और D में से कोई हो सकता है, पहले दो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि जब पार्टिकल
मोशन में होता है तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फोर्स ही लगती। तो ये तो मैंने जो आपके साथ स्टडी किया, डिस्कस किया, इसको तो मान लेते हैं हम केस वन। ये हो गया हमारा केस वन। अब केस टू दोबारा से स्टडी करते हैं। केस टू में पार्टिकल को नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया था, वेलोसिटी दे दी थी वी नॉट। चलिए दोबारा डायग्राम बना लेते हैं या कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरे केस में ब्लैक पेन से जो मैं कर रहा हूँ वो केस टू की बात कर रहा हूँ, रेड पेन से जो मैंने किया वो केस वन की बात है। तो केस टू में नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी दे दी गई वी नॉट और वेस्ट की तरफ एक्सीलरेशन मिलता है हमें कितना, 3a0। अब जरा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले से ही ए नॉट था तो अब 3a0 है, तो चेंज कितना हुआ एक्सीलरेशन में, 2a0। वो 2a0 किसकी वजह से आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डेवलप होने वाला एक्सीलरेशन है 2a0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। या मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सीलरेशन, दैट इज 2a0। यानी के मैग्नेटिक फोर्स 2ma0। फिर बता देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो भाई पहले से ए नॉट एक्सीलरेशन था फर्स्ट केस में, है ना, जब नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दी तो वो एक्सीलरेशन हो गया 3a0। पहले ए नॉट था बाद में 3a0 हो गया, तो ए नॉट तो पहले से था, चेंज कितने का हुआ 2a0 का, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन मिला वो 2a0 मिला और वो मिला मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई 2ma0। अच्छा अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखें तो ये होता है हमारा QVB या QVB sin 90 लिखें, sin 90 की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने लिखी नहीं, या E की जगह Q की जगह E लिख दें तो ये हो गया, V की जगह V0। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड 2ma0 अपॉन EV0। अब 2ma0 अपॉन EV0 ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता करें। तो मैग्नेटिक फोर्स की खास बात कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। अब मोशन हो रहा है वेस्ट में तो एक्सीलरेशन है वेस्ट में, तो फोर्स भी है वेस्ट में। अब फोर्स लग रही है वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट का मतलब ये माइनस आई कैप, वेलोसिटी है हमारी प्लस वाई कैप, नॉर्थ की तरफ मतलब प्लस वाई कैप। तो जाहिर सी बात है जो ये डायरेक्शन होगा इसका फील्ड का वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी के दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, जरा सोचिए भैया, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक्स की जगह हो गया माइनस एक्स, तो जेड की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जेड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब माइनस जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउन में, तो ये होना चाहिए डाउनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए 2ma0 अपॉन EV0 डाउनवर्ड्स, और इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो वायर्स हैं, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं। अच्छा उनका कोई कॉमन पॉइंट है O, पहले वायर में करंट है I1 और दूसरे वायर में करंट है I2। अच्छा किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना जो कि डी डिस्टेंस पर है, जो कि डी डिस्टेंस पर है। तो फिर बार बार मैं वही बात कहता हूं कि भैया जब वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा हालांकि डायग्राम बना लेते हैं, ये मैंने दो वायर बना ली, एक को मैं नाम दे देता हूं ए ओ बी और दूसरे को सी ओ डी, एक में करंट I1 और एक में करंट I2, ठीक है। अब ये दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनमें फ्लो होने वाला करंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। B1 की वैल्यू होगी
इनफाइनाइट लेंथ के वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर की जगह लिखेंगे डी, क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे डी। ऐसे दूसरे वाले की वजह से म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर, तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं फिर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर हाफ, अंडर रूट लिखो या पावर हाफ लिखो। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन टू पाई डी, अंदर आ गया आई वन प्लस आई टू, आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर और इनकी पावर हाफ, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है भाई, एमीटर बना दिया गया गैल्वेनोमीटर का, और ऐसा एमीटर बनाया गया कि जो मेन करंट है उसका केवल 0.2% ही गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, बाकी 99.8% जो है वो शंट के थ्रू निकल जाता है। पहले ही बता चुका हूं, फिर देखिए एक बार, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस आर जी, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जी दी हुई है, हमने लगा दिया शंट। अब शंट लगा दिया तो ये बन गया एमीटर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि शंट लगाने के बाद, भाई शंट का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, तो ज्यादातर करंट शंट से निकल जाता है और बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास होता है। ये कह रहे हैं जो मेन करंट आ रहा था ना आई, उसका केवल 0.2% ही गैल्वेनोमीटर से जाता है, बाकी बचा कितना 99.8% वो शंट से जाता है। तो पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जो बाद में बन गया गैल्वेनोमीटर से एमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कलर चेंज कर देता हूं मैं, समझने में आसानी रहेगी। ऊपर वाले रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं आर वन, नीचे वाले रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं आर टू, ऊपर वाला करंट मैं मान लेता हूं आई वन और नीचे वाला करंट मैं मान लेता हूं आई टू। जरा समझते हैं, अब करंट का रेशो कितना है, I1 upon I2, ये है 0.2% upon 99.8%, यानी कि 1 upon 499, ये करंट का रेशो है। भैया पैरेलल में जो रेशो करंट का होता है उसका ठीक उल्टा रेशो होगा रेजिस्टेंस का, या ऐसा कह सकते हैं जो रेशो रेजिस्टेंस का होता है उसका उल्टा होता है करंट का, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होती है, वोल्टेज तो सेम होती है। अच्छा, फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर अगर हम लगाएं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V तो दोनों के लिए सेम है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के, यानी कि जो करंट का रेशो होगा उसका उल्टा होगा रेजिस्टेंस का रेशो, या फिर कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा उसका उल्टा होगा करंट का रेशो। तो करंट का रेशो मिल गया, रेजिस्टेंस का मिल गया, इसी के अकॉर्डिंग उल्टा कर दें तो भाई आर वन अपॉन आर टू का रेशो हो गया 499/1। अब R1 मैंने माना था गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का और ये हो गया शंट का। तो हम कह सकते हैं कि भैया G और S का जो रेशो है वो है 499:1, है ना, या फिर कह सकते हैं कि शंट की जो वैल्यू है वो है G अपॉन 499, इतना कम है। अब हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल और हमारा शंट दोनों पैरेलल में है, और जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां इक्विवेलेंट हो जाएगा G इंटू S अपॉन G प्लस S। अच्छा, अब S की वैल्यू रख देते हैं जो भी निकाली हमने, G अपॉन 499 और नीचे G प्लस G अपॉन 499,
ये हो गया जी स्क्वायर अपॉन 499, नीचे हो गया 500 जी अपॉन 499, 499 से 499 कट गया, जी से जी कट गया, ये आया हमारा 1/500 जी। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या कह सकते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस है। तो 1/500 जी यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नीट 2014 का क्वेश्चन था ये भी हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलती से इस चैप्टर में आ गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, इसको जब अगले चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे तब डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन भाई, इसमें एक कंडक्टर दे दिया, कंडक्टिंग वायर दे दिया जो कि थोड़ा सा मोड़ा हुआ है ना, पहले स्ट्रेट वायर है फिर लूप है फिर स्ट्रेट वायर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें कितना डेवलप होगा। तो भैया ध्यान दें तो दिखाई देगा कि इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट वायर, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड पार्ट और इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट वाला जो कंडक्टिंग वायर है उसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स की तरफ, अब एक्स डायरेक्शन में है, राइट हैंड ग्रिप रूल से अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा माइनस जेड की तरफ, यानी कि इसका आएगा माइनस के कैप की तरफ। ऐसे थर्ड वाले का एक्स की तरफ है, उसका भी आएगा राइट हैंड ग्रिप रूल की हेल्प से माइनस के कैप की तरफ। और ये जो सर्कुलर लूप है ये है वाई जेड प्लेन में, और वाई जेड प्लेन में है करंट ट्रेवल कर रहा है इस पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, राइट हैंड ग्रिप रूल की हेल्प से अगर निकालें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा माइनस आई कैप पे। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम लिख सकते हैं B1 + B2 + B3। जो फर्स्ट मैंने माना वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना, या कह सकते हैं बॉटम ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ है ना, एट द बॉटम ऑफ ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब एक ऐसा इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसका एक एंड तो इन्फिनिटी पे और दूसरा एंड हमारे सामने है ना। भाई कंप्लीट इनफाइनाइट तो वो होता है जिसका दोनों एंड का आता पता ना हो, दोनों एंड इन्फिनिटी पे हो, एक प्लस इन्फिनिटी पे एक माइनस इन्फिनिटी पे, लेकिन यहाँ पे एक एंड तो इन्फिनिटी पे दूसरा हमारे सामने है, उस केस में फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है ना। उसके लिए फॉर्मूला होता है भाई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अब क्योंकि ये माइनस के कैप पे है तो पहले माइनस लगा देते हैं बाद में के कैप लगा देते हैं। B2 सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4R, भाई सेम ही सर्कुलर कॉइल है ना इसलिए 4R, कंप्लीट सर्कल होता तो 2R, ठीक है, तो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4R। और क्योंकि आई कैप पे माइनस आई कैप पे तो पहले माइनस लगा दिया बाद में आई कैप लगा दिया भाई। और तीसरे वाले वायर का फिर से म्यू नॉट आई अपॉन 4πR और ये के कैप पे। अब इसको कैसे करें सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ कॉमन आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, इसमें माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πR कॉमन आ गया, अंदर रह गया पाई आई कैप प्लस 2k कैप, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नीट 2015 में दो बार हुआ था, तो पहला पेपर कैंसिल हो गया था, उसका क्वेश्चन है नीट 2015 का। एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट का रेडियस है आर, फ्रीक्वेंसी है एन, मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई ओवर 2R। अब I को मैं लिख सकता हूं क्या Q by T, और चार्ज की जगह E भी लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज दिया है वो E दिया है E by T। तो ये फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 2R into N E by T, और ये जो N अपॉन T है नंबर ऑफ टर्न्स है ना अपॉन टाइम पीरियड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू स्मॉल एन दी गई है। तो ये हो गया म्यू नॉट स्मॉल एन ई अपॉन 2R, ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई, ठीक है।
इस हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों एक रीजन में एंटर हो गए जहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था. दोनों राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना. दोनों का रेडियस इक्वल है ना. प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 MeV है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. पिछली वीडियो में बता चुका हूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, V² Q² R² / 2m. भैया मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, चार्ज और मास पे. अच्छा, अब चार्ज और मास पे डिपेंड कर गई तो देख लेते हैं भाई. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मतलब चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इसका स्क्वायर, और मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा. देखिए अल्फा का चार्ज जो होता है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन का. अगर क्यूपी को क्यू लिखू तो क्यू अल्फा को 2q लिख सकते हैं, और मास जो है 4 times होता है. तो रेशो जो आया, हालांकि करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, इससे पिछली वीडियो में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन गलती से. तो हो गया 4 1 second, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे. अल्फा का 4 times होता है, नीचे आएगा 4, तो 4 × 1/4 यानी कि 1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की वो प्रोटॉन के बराबर होगी, यानी कि 1 MeV ही होगी. और 1 MeV यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नीट 2015 का एक क्वेश्चन था, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. स्क्वायर लूप है ए बी सी डी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई. अच्छा, उसको एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एक्स वाई के पास रख दिया जिसमें करंट है कैपिटल आई, तो लूप पे नेट फोर्स कितनी लगेगी. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, डायग्राम नहीं दिया है ना, जिस बुक से मैंने कॉपी किया है क्वेश्चन उस बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी. मैं हालांकि आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता देता हूँ. ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसका नाम है एक्स वाई. अच्छा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई, और इसके पास एक लूप रखा है, ठीक. अच्छा, लूप का नाम रख दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी. लूप की जो लेंथ है वो कैपिटल एल, ये भी नहीं दिया गया, साइड जो है इसकी कैपिटल एल. और डेटा जो मिसिंग है वो ये कि जो नजदीक वाली साइड है वो है एल बाय 2 पे, पूरी लेंथ है एल, तो ये कंप्लीट हो गया एल प्लस एल बाय 2 यानी के 3L/2. इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई वन या स्मॉल आई. अब हमसे कह रहे हैं कि लूप पे नेट फोर्स कितनी लगेगी ये बताना है. तो भैया ये करंट जब ए बी सी डी में घूमेगा तो सी डी वाली ब्रांच में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ओपोजिट, तो ए बी और एक्स वाई में जो करंट है ये एक्स वाई और ये ए बी, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है. तो सेम डायरेक्शन में करंट जब होता है दो वायर्स में तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ए बी पे जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी. सी डी में जो करंट है वो इनफाइनाइट लेंथ के वायर से ओपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी. नेट फोर्स हमसे पूछी है, तो नेट फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी फोर्स ऑन ए बी माइनस फोर्स ऑन सी डी. अब फॉर्मूला दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर या दो वायर करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन 2πr. ये होता है फोर्स का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा ए बी पे कितनी फोर्स लगेगी भाई, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई एल अपॉन 2π और डिस्टेंस है L/2, और सी डी पे लगेगी म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई एल अपॉन
टू पाई इंटू थ्री एल बाय टू। अच्छा माइनस क्यों करा, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स का ऑपोजिट है, ए बी पे लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव है और सी डी पे लगने वाली फोर्स रिपल्सिव है। ए बी क्योंकि नजदीक है इनफाइनाइट लेंथ के वायर के इसलिए उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, और सी डी क्योंकि दूर है इसलिए उस पर कम फोर्स लगेगी, तो नेट फोर्स दोनों के डिफरेंस से मिल जाएगी। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई एल अपॉन टू पाई एल बाय टू कॉमन आ गया भाई, और अंदर रह गया वन माइनस वन बाय थ्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू से टू और एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन पाई, वन माइनस वन बाय थ्री यानी कि टू बाय थ्री, आंसर हो गया टू म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन थ्री पाई। ऑप्शन मैच करते हैं भाई, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है ये, ठीक सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस है स्मॉल ए, करंट है उसमें कैपिटल आई, करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए बाय टू डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड और टू ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और फिर उनका रेशो बताना है। तो देखते हैं जरा, ये वायर जो होगा सिलेंड्रिकल होगा, अब वायर सिलेंड्रिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शन टॉप व्यू अगर ऊपर से उसको देखें तो वो हमें दिखाई देगा कुछ सर्कुलर लूप की तरह, इस तरह से ये टॉप व्यू देख रहे हैं अगर हम इसका। तो अच्छा जी, तो अब इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है ए बाय टू डिस्टेंस पे, बी वन मान लेता हूं मैं इसको, और दूसरा बताना है टू ए डिस्टेंस पे, इसको बी टू मान लेता हूं। तो पहले बी वन निकालेंगे, फिर बी टू निकालेंगे, फिर दोनों का रेशो निकालेंगे। तो बी वन निकालने के लिए बात समझने वाली, इन्होंने कहा कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि पूरा जो एरिया है अनुप्रस्थ काट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उस पे आई करंट है, यानी कि पूरा एरिया कितना हो गया इसका पाई ए स्क्वायर, इतने एरिया पे करंट है आई, यूनिट एरिया पे करंट होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, है ना, और a बाय टू के अंदर जो रेडियस a बाय टू है उसके अंदर करंट कितना हो जाएगा पाई a बाय टू का स्क्वायर, इतने एरिया में हो जाएगा i अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई a बाय टू का स्क्वायर, ये हो गया हमारा i1, मतलब फर्स्ट केस का करंट, तो ये हो गया हमारा i बाय फोर। अच्छा जी, ये तो हो गया करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें इस पे देखते हैं। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed, B डॉट dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I, अब dl का इंटीग्रेशन और इधर म्यू नॉट I enclosed है हमारा I बाय फोर, और dl का इंटीग्रेशन हो गया l, l मतलब सर्कमफ्रेंस यानी के 2 पाई a बाय 2। अच्छा, तो म्यू नॉट i बाय 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल करके आया वो आया म्यू नॉट i बाय 4 पाई a, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट केस, b1 कह सकते हैं इसको। अब सेकंड केस है मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो फिर से वही करंट पता करना पड़ेगा, लेकिन करंट इस बार, करंट जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, लेकिन बाउंड्री पे आके करंट मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सेकंड वाले केस के लिए जो करंट लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी टू, बी टू के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो करंट जो है आई टू हमारा आई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा करंट हो ही नहीं सकता, वायर से बाहर निकल के थोड़ी ना करंट फ्लो करेगा। तो ये हो गया बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन
इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, फिर से एम्पियर सर्किट लॉ लगा दिया हमने, तो ये देखते हैं क्या आया। बी टू डी एल का इंटीग्रेशन और म्यू नॉट आई, डी एल का इंटीग्रेशन एल और एल की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2 पाई इंटू 2a, रेडियस 2a है क्योंकि, तो ये हो गया हमारा इंटू 4 पाई ए और इधर म्यू नॉट आई, तो बी टू की वैल्यू निकल के आती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। यही वैल्यू पहले वाले केस में, यही वैल्यू दूसरे वाले केस में, हम कह सकते हैं बी वन इज इक्वल टू बी टू या फिर बी वन और बी टू का रेशो 1:1 या फिर 1। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, चार्ज और मास का रेशो दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन से पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बी क्यू ओवर 2 पाई एम, क्यू बाई एम की वैल्यू में दे दी गई 1.76 × 10^11, बी की वैल्यू भी दे दी गई 3.57 × 10^-2 अपॉन 2 पाई और ये 1.76 × 10^11। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, और ये कैलकुलेशन करके मेरे ख्याल से आएगा 10^9 हर्ट्ज या फिर 1 GHz। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन। लॉन्ग वायर है और उसको मोड़ के सर्कुलर लूप बना दिया गया, पहले मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के एन कर दिए गए, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो भैया पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूँ। एल लेंथ का वायर है, इसका सर्कल बना दिया गया, लूप बना दिया गया, सर्कुलर लूप। तो अब लेंथ हो गई इसकी 2πr₁, सर्कमफेरेंस के इक्वल हो गई। अच्छा, अब बाद में इसका छोटा लूप बना दिया गया, तो इसमें घेरे बढ़ गए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए एन, तो अब हो गया रेडियस r₂, रेडियस थोड़ा छोटा हो गया, तो 2πr₂। भाई लेंथ पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, पहले जितनी लेंथ थी बाद में भी उतनी लेंथ है, तो हम कह सकते हैं कि 2πr₁ इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 2πr₂। 2π से 2π खत्म, तो ये देखिए r₁ is equal to n times of r₂ या r₂ is equal to r₁/n, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा, b₁, तो b₁ की वैल्यू हो गई म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, करंट i मान लेते हैं, अपॉन 2r₁, या लिखा जा सकता है म्यू नॉट i अपॉन 2r₁। दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड b₂ मान लें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r₂, और r₂ की वैल्यू अगर यहां रख दें तो ये हो जाएगा 2r₁ अपॉन n, n चला गया ऊपर, तो ये हो गया n² म्यू नॉट आई बाय 2r₁। अब ये जो वैल्यू है, कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि देखने में आसानी रहे, ये जो वैल्यू है ये b₁ की तो वैल्यू है, हमें मोटा मोटा क्या दिखाई दे रहा है, ये b₂ becomes equal to n² times of b₁, यानी कि जब घेरे या नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड n² टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। या हम कह सकते हैं b' is equal to n² times of b, जब किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड n² टाइम्स हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 वायर हैं। अब 3 वायर हैं और तीनों नजदीक रखे हुए हैं, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है डी और बी और सी के बीच में डिस्टेंस है डी।
अब कह रहे हैं बीच वाले वायर पे कितनी फोर्स लगेगी। तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया कि दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट तो सेम दिया हुआ है दोनों में, तीनों वायर में सेम करंट है बल्कि आई, डिस्टेंस है डी। तो ये बी वाले वायर को ये सी वाला वायर अपनी तरफ खींचेगा, इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे एफ, ए वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे नीचे की तरफ एफ, और दोनों के बीच एंगल 90 है तो फोर्स के बीच भी एंगल 90 होगा, तो दो इक्वल वैल्यू की फोर्स लगेंगी। पहला सवाल तो आपके दिमाग में यह आएगा कि इक्वल क्यों लगेंगी, तो भैया अभी तो बताया कि फोर्स डिपेंड कर रही है एक तो करंट पे और दूसरा डिस्टेंस पे, करंट भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगी, है ना भाई, करंट इसमें भी आई है इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, करंट सेम है ना, तो और डिस्टेंस भी सेम है इसलिए फोर्स भी सेम रहेगी, एफ आगे की तरफ एफ नीचे की तरफ और दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, एफ रिजल्टेंट जो आएगा इनका वो ऐसे आ जाएगा। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बता चुका हूँ, दो वेक्टर क्वांटिटी जब 90 डिग्री पे हो तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और फिर अंडर रूट ले लो, यानी के रूट टू एफ। अच्छा, और एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट पहले वाला करंट आई दूसरे वाला करंट आई, समझ रहे बात को, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, एल इधर आ जाता है, यहाँ एल यहाँ नहीं होता, एल यहाँ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई अपॉन ये हो गया टू पाई, डिस्टेंस हो गया डी, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा रूट टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट टू बचेगा, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन रूट टू पाई डी, दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गए, इसके बाद हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह भैया कुछ फायदा हुआ हो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।